नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दिव्या चौधरी है और मैं बीएलके मैक्स में स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम लोग अमरोहा में आए हैं, यहाँ पे दिल्ली सुपर स्पेशलिटी सेंटर में स्किन के मरीज़ों को देखने के लिए। बहुत सारे मरीज़ हम लोगों ने देखे आज, जो जिनको फंगल इन्फेक्शन है, जिनको एलर्जीज की प्रॉब्लम है, जिनको सोरियासिस की परेशानियाँ हैं या मुहासों की परेशानियाँ हैं। ज़्यादातर परेशानियाँ जो हैं वो मिसडाइग्नोज हो रखी हैं। जैसे जो सोरियासिस की परेशानी है, उसके अंदर अगर हमने फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट दे दी तो वो असर तो थोड़ी देर में रिलीफ सिम्टम वाइज आता है, एक दो दिन, बट उसके बाद दोबारा वापस से वही सेम परेशानी दोबारा हो जाती है। दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोटिस करी है कि लोग बिना स्पेशलिस्ट की ओपिनियन लिए दवाइयाँ ले लेते हैं, जिसके कारण जो जैसे परेशानी दिखनी चाहिए वो वैसे नहीं दिखती है। तो जो यहाँ पे परेशानी आती है कि पेशेंट को कभी उससे रिलीफ मिलता ही नहीं है, वो लंबे समय तक दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स उसके अलग हो जाते हैं और ट्रीटमेंट कभी मिल नहीं पाती है। तो सबसे ज़्यादा परेशानियाँ फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस, इवन एक्ने की ट्रीटमेंट में होती है। अब जैसे नई ट्रीटमेंट्स आ रखी हैं, जैसे सोरियासिस में, एलर्जीज़ में हम लोग बायोलॉजिकल्स देते हैं। बायोलॉजिकल्स में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि साइड इफ़ेक्ट्स हम कम से कम होते हैं पेशेंट्स को, और दूसरी चीज़ कि जैसे सोरियासिस की परेशानी है जो हड्डियों को भी असर करती है, तो अगर बायोलॉजिकल्स समय से दिए जाएं तो वो हड्डियों को असर नहीं करते, कॉम्प्लिकेशंस से बच जाते हैं लोग और उनको रिलीफ मिलता है। एक्ने की भी ट्रीटमेंट, जो पिंपल्स हम कहते हैं, जो टीनेज लाइफ में होती ही है, ज़्यादातर लोग इसको इग्नोर करते हैं कि ये तो एक एज के कारण है जिसके लिए ट्रीटमेंट नहीं लेते। तो वो बात तो सही है कि वो एज के कारण है, बट अगर ट्रीटमेंट ना लें तो जो निशान और दाग और धब्बे रह जाते हैं वो लाइफ लॉन्ग हम लोगों को परेशान करते हैं। सो एक्ने की भी ट्रीटमेंट, डिफरेंट तरह की ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, हम दवाइयाँ देते हैं। कई चीज़ों के लिए हमें मशीन से रिमूव करना पड़ता है, उनको दानों को रिमूव करना पड़ता है, और कई चीज़ों के लिए हमें दूसरी तरीके की ट्रीटमेंट्स जैसे पील्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो काफ़ी असरदार रहती हैं ये ट्रीटमेंट्स। अमरोहा ऑनलाइन।